नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ में तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके, यूट्यूब चैनल हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेंड करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। 13 जून 2021 को यूपीपीएससी का पीसीएस एग्जाम है और आरओ आरओ का जो यूपीपीएससी वाला है 1 अगस्त 2021 को एग्जाम है। दोनों के पेड़ को फुल पेड़ को भी चालू हो चुके हैं, टेस्ट सीरीज वाला पेड़ को भी चालू हो चुका है। इन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं 8800906089 पे, या फिर मुझे डायरेक्ट कर सकते हैं 7868। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी और स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे, जिसमें आज हम ज्योग्राफी के कुछ प्री रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पर कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या सही है। देखिए, सूर्य से प्राप्त विकिरण ऊर्जा का 35% भाग है जो मौलिक रूप से अंतरिक्ष में वापस लौट जाता है। ठीक, तो ये सही स्टेटमेंट है। हीट बजट वाला जब पार्ट पढ़ेंगे तब आपको इसमें मिलेगा। ठीक, उसके बाद देखते हैं, इसमें से 25% है जो वो वायुमंडल से प्रकीर्णन द्वारा, 6% है जो वो वायुमंडल में स्थित बादलों से परावर्तन द्वारा, और 4% पृथ्वी की सतह से परावर्तन द्वारा अंतरिक्ष में वापस लौटता है। ठीक है, देखिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि 6% है जो वो आपका वायुमंडल प्रकीर्णन से, 27% है जो वो आपका बादलों से परावर्तन द्वारा, और 2% है जो वो आपका पृथ्वी की सतह से परावर्तन द्वारा, ठीक है, लौट जाता है। तो ये गलत हो जाएगा, पहला यहाँ पर सही है, आंसर ए हो जाएगा इसका। अगला देखिए, उच्च अक्षांशों पर यानी कि हाई लेटिट्यूड्स पर, ध्यान रखिएगा हाई लेटिट्यूड्स पर, ओपन सी का टेम्परेचर है जो वो क्लोज्ड सी के कंपैरिजन में कैसा रहता है, कम रहता है, अधिक रहता है, एक समान रहता है, बहुत कम रहता है, तो वो अधिक रहता है। ठीक, आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला देखिए, ओशन टेम्परेचर एंड सैलिनिटी से एक और क्वेश्चन है। देखिए, जिन सागरों पर तापमान ऊंचा रहता है और वाष्पीकरण अधिक होता है, मतलब हाई टेम्परेचर है, तो उससे क्या होगा कि आपका इवोपरेशन काफी ज्यादा हो रहा है, तो वहां पर क्या है, सैलिनिटी है जो वो अधिक होती है, उठ जाता है, तो सैलिनिटी ज्यादा हो जाती है इस जगह पर। जैसे कि एग्जाम्पल आपका कर्क रेखा और मकर रेखा, सही स्टेटमेंट है। दूसरा देखिए, भूमध्य रेखीय सागरीय भागों में जो हाई टेम्परेचर और अधिक वाष्पीकरण के कारण अत्यधिक ह्यूमिडिटी के कारण भी आपकी जो सैलिनिटी है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, दोनों ही यहाँ पर सही है, आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए, महासागरीय जल का वो क्षेत्र जहाँ पर लवणता गहराई के साथ तीव्रता से बढ़ती है, तो उसे क्या कहते हैं, आइसोहेलाइन, आइसोक्लाइन, हेलियोक्लाइन या फिर हेलोक्लाइन, तो उसको कहते हैं डी, हेलोक्लाइन। ठीक, आंसर डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन महासागरीय पैलेजिक निक्षेप है, टेरोपोड ऊस, ग्लोबिजेरना, रेडियो लैरियन ऊस या फिर डायटम। ठीक है, तो देखिए ये होता क्या है, पैलेजिक निक्षेप बेसिकली ये क्या है कि ये आपको गहराई में पाए जाने वाले जैविक निक्षेप होते हैं, जैविक डिपॉजिट्स होते हैं, बायो डिपॉजिट्स होते हैं, जो कि आपको ओशन प्लेन्स में और डीप ओशंस में मिलते हैं। ठीक है, और ये बेसिकली इनमें क्या है कि दो पार्ट्स होते हैं, पैलेजिक निक्षेप के दो पार्ट होते हैं। ठीक है, कौन से, एक होता है जहाँ पर लाइम की प्रधानता होती है यानी कि चूना प्रधान ऊज, और दूसरा सिलिका प्रधान ऊज। ठीक है, तो लाइम वाले हैं उसमें ये दोनों आ जाएंगे, ये पहला और दूसरा आपका टेरोपोड और ग्लोबी जेरना। ठीक, और जो आपका सिलिका प्रधान है उसमें ये दोनों आ जाते हैं, रेडियो लैरियन और डायटम। ठीक, तो फिर इसके हिसाब से ये चारों ही इसका पार्ट हो जाएंगे, तो आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से क्या संबंधित विशेषताओं को मिलाने वाली रेखाओं से सुमेलित नहीं है, गलत वाला यहाँ पर आपको बताना है, आइसोग्लास है, आइसोनॉर्मल्स है, और दूसरा आइसोडाइन है, और एक आइसोक्लाइन है। ठीक है, तो देखिए आइसोग्लास समान भाषा वाले स्थान होते हैं, आइसोनॉर्मल्स है जो वो समान तापीय विसंगति वाले स्थान है, ये भी सही है, और आइसोक्लाइन है जो समान चुंबकीय नति वाले स्थान है, ये भी सही। ठीक है, अगला जो आइसोडाइन है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आइसोडाइन जो होते हैं वो समान चुंबकीय गहनता यानी कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी ठीक है, समान मैग्नेटिक इंटेंसिटी वाले स्थान होते हैं ये, और जो ये लिखा हुआ है समान गुरुत्व असंगति वाले स्थान, ये कौन से होते हैं, इनको कहते हैं आइसोग्राम, क्या, आइसोग्राम। ठीक, तो ये सब पांचों चीजें याद रखिएगा। अगला देखिए, जुरासिक शक से संबंधित कथन में से कौन सा सही है, देखिए जुरासिक शक में आवृत बीजी पुष्प यानी कि फ्लोरल प्लांट्स की उत्पत्ति हुई, सही है, और जुरासिक काल में मार्सुपियल मेटाथीरिया स्तनियों की उत्पत्ति हुई है, ठीक है, मैमल्स की उत्पत्ति हुई है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, आंसर सी हो जाएगा, फैक्ट्स हैं दोनों, याद रखिए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से क्या सत्य है, पृथ्वी के धरातल पर भूमध्य रेखीय भाग अधिक तीव्र गति से घूर्णन करता है, सही स्टेटमेंट है,
पृथ्वी के भूमध्य रेखीय भागों पर केंद्र पसारी बल अधिक होता है, ये भी सही है, और केंद्र पसारी बल भूमध्य रेखीय भागों से ध्रुवों की ओर कम लग होता है होता जाता है, ठीक है, तो ये भी सही है। और चौथा देखिए, ध्रुवीय भागों में स्थित प्लेट की गति है जो वो ध्रुवों की चारों तरफ होती है, तो ये वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तीन अगर सही है तो इससे कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि ध्रुवीय भागों में स्थित जो प्लेट्स हैं उनकी गति आपके इक्वेटर की तरफ होती है, ना कि ध्रुवों की ओर, ठीक है, तो ये चौथा वाला गलत हो जाएगा। और पहला, दूसरा, तीसरा सही, ए आंसर। अगला देखिए, पृथ्वी के घूर्णन का केंद्रापसारी बल पर प्रभाव तथा जो अभी हमने पिछला क्वेश्चन देखा, तो वो सारी चीजें, केंद्रापसारी बल पर प्रभाव और इसका जो प्लेट्स की गति और दिशा है जो उस पर प्रभाव क्या पड़ता है, तो ये सब चीजें कहाँ पर डिस्कस की गई हैं, फेरल के सिद्धांत पर, कोरियोलिस सिद्धांत पर, आयलर सिद्धांत पर या हेडली सिद्धांत पर, तो वो है आयलर सिद्धांत पर, सी आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के तट के बीच में जो निर्मित मैदान है उनको पश्चिमी तटीय मैदान कहा जाता है, तो सही स्टेटमेंट है। और दूसरा, इसका विस्तार है जो वो गुजरात के काठियावाड़ से लेकर के तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक है, ठीक, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, आंसर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। अब इंडियन ज्योग्राफी पर फोकस कर लेते हैं थोड़ा, देखिए निम्नलिखित पर्वतों को उत्तर से दक्षिण की ओर आपको लगाना है, ठीक है, कैलाश रेंज, धौलागिरी, विंध्याचल और दोदाबेटा, ठीक है, तो सबसे ऊपर आपका कैलाश हो जाएगा, फिर धौलागिरी, फिर विंध्याचल और फिर दोदाबेटा, ठीक है, तो दोदाबेटा है जो, ये आपकी याद रखना है कितनी है, पहले तो 2633 मीटर है, ठीक, और आपकी नीलगिरी इसकी हाइएस्ट पीक है दोदाबेटा, ठीक, तो इसको जब आप अरेंज करेंगे तो ये सब सही लगे हुए हैं, आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है, देखिए विंध्याचल पर्वत श्रेणी का विस्तार है जो गुजरात से लेकर एमपी, यूपी, छत्तीसगढ़, बिहार तक फैला हुआ है, ठीक सही है, गुजरात में इसे जोबट हिल और बिहार में इसको कैमूर हिल्स, मतलब कहने का मतलब ये कैमूर हिल्स हैं जो बड़ी फेमस है, वो किसका पार्ट है आपके, ये आपके विंध्याचल पर्वत श्रेणी का पार्ट हो जाएंगी, तो सही है। उसके बाद विंध्य श्रेणी के दक्षिण में नर्मदा घाटी है जो कि विंध्याचल पर्वत को सतपुड़ा पर्वत से अलग करती है, ये भी सही है, ठीक, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यूथांग घाटी है जो वो कहाँ है, सिक्किम में, सही है, और यहाँ पर क्या है, रोडेंडरोन है ना, ये झाड़ियां और अन्य वनस्पतियां पाई जाती हैं, ठीक, दोनों ही सही है, सी आंसर। अगला देखिए, मालाबार तट से संबंधित कथनों पर विचार करें, देखिए मालाबार तट का सामान्य ढाल है जो पश्चिम से पूर्व की ओर है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि वो पूर्व से पश्चिम की ओर है, पूर्व से पश्चिम, ठीक है। मालाबार तट पर व्यापारिक फसलों की अपेक्षा खाद्यान्न फसलों का उत्पादन अधिक होता है, तो ये भी उल्टा लिखा हुआ है, खाद्यान्न की अपेक्षा व्यापारिक फसलों का उत्पादन अधिक होता है यहाँ पर, ठीक, तो दोनों ही यहाँ पर गलत हो गए, सी डी आंसर। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है, देखिए दर्रे हैं, जलेपला है आपका, ये कहाँ है, सिक्किम में, सही है, खारदुंगला लद्दाख में, ये भी सही है, बनिहाल पास है जो वो कैलाश श्रेणी में है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि वो पीर पंजाल में है, पीर पंजाल श्रेणी में, ठीक, तो 1 और 2 यानी कि ए आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन महाराष्ट्र में अवस्थित है, हरिश्चंद्र महाराष्ट्र में है, सतमाला भी महाराष्ट्र में है, और महादेव हिल्स हैं जो वो आपके एमपी में है, ठीक, 1 और 3 यानी कि सी आंसर। अगला देखिए, छोटा नागपुर पठार से संबंधित कथनों पर विचार करें, इन पठारों की जो ढाल है वो कहाँ है, उत्तर की ओर, सही है, और किनारों पर ये पठार अत्यधिक अपर्दित हैं, ठीक है, जिसके कारण क्या है, कगारों पर का निर्माण हुआ है, तो ये दोनों ही यहाँ पर सही स्टेटमेंट है, सी आंसर हो जाएगा, छोटा नागपुर प्लेट्यू के बारे में दोनों फैक्ट सही है, याद रखिएगा कि नॉर्थ की ओर इसकी ढाल है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, सैडल पीक आपकी कहाँ है, दक्षिणी अंडमान में, तो ये हो गया गलत क्योंकि सैडल पीक आपकी नॉर्थ अंडमान में है, ठीक है, और माउंट डिएबोलो कहाँ है, उत्तरी अंडमान में, ये भी गलत हो गया क्योंकि ये है आपकी मिडिल अंडमान में, मिडिल में, ठीक, और माउंट कोयोब कहाँ है, ग्रेट निकोबार, ये भी गलत क्योंकि ये है आपका साउथ अंडमान में, साउथ अंडमान में, ठीक, तो तीनों ही गलत है, आंसर डी। निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं को दक्षिण की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर लगाना है आपको, तो देखिए सबसे जो नीचे आएगा वो आएगा आपका इन चारों में से पटकाई बम है जो वो सबसे नीचे आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद फिर जस्कर, फिर लद्दाख और फिर काराकोरम रेंजेस, तो यही सीक्वेंस रहेगा, आंसर ए। मैप में इसको जरूर एक बार लोकेट करें, ठीक, मैप बेस्ड क्वेश्चंस को मैप में एक बार देख जरूर। अगला देखिए, खादर मैदानों से संबंधित कथन है, तो ये बाढ़ के मैदानों के नए युवा निक्षेप होते हैं, यानी कि
यंग डिपॉजिट्स होते हैं फ्लड प्लेन्स के, ठीक सही है, और ये लगभग प्रत्येक वर्ष नवीनीकृत होने के कारण उपजाऊ होते हैं, ये भी सही है, और कृषि के लिए ये एक आदर्श जगह होती है, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है, खादर है, ज्यादा उपजाऊ है तो कृषि के लिए तो आदर्श होगी होगी, ठीक, तो ये तीनों ही सही है, आंसर डी। अगला देखिए, पूर्वी घाट निम्नलिखित में से किन भारतीय राज्यों से विस्तृत है? पूर्वी घाट देखिए तमिलनाडु में भी आ रहा है, आंध्र प्रदेश में भी आ रहा है, और तेलंगाना और उड़ीसा में भी, ठीक है, कन्फ्यूजन होगा कि तेलंगाना में कैसे आ जाएगा, क्योंकि वो तो किनारे से थोड़ा सा ऊपर हट गया है, मतलब जो तेलंगाना जो अलग हुआ है वो ऊपर है और आंध्र प्रदेश है जो कोस्टल एरिया में है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसका थोड़ा सा भाग है जो तेलंगाना को लेकर के जाता है, तो तेलंगाना को भी इसमें शामिल किया जाएगा, ये बात याद रखिएगा, आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित पहाड़ियों को दक्षिण से उत्तर की ओर आपको लगाना है, कार्डमम हिल्स, अनामलाई, पालनी और नीलगिरीज, ठीक, तो दक्षिण में सबसे इलायची पहाड़ियाँ सबसे नीचे हैं, ठीक है, और उसके बाद आपके अनामलाई हो जाती है, फिर पालनी और फिर नीलगिरी, यही इनका सीक्वेंस है, ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा ए, इनको भी आप मैप में एक बार देख लें, ठीक है, स्पेशली पालनी हिल्स की लोकेशन को समझ लें ठीक से, क्योंकि वहाँ पे और भी हैं, नल्ला मल्ला, पालकोंडा, ये सारी हैं जो उनके साथ इनको कंपेरिजन करें, यही 8-5-6 पीक्स हैं जो इन्हीं में से आगे पीछे करके लगवाया जाता है क्वेश्चन, ठीक। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, नीलगिरी और अनामलाई पहाड़ियों के बीच में भोरघाट स्थित है, तो नहीं है, वो पालघाट है, ठीक, दूसरा देखते हैं, पश्चिमी और पूर्वी घाट नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं, ये वाला सही स्टेटमेंट है, तो आंसर हो जाएगा बी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, देखिए गोदावरी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ है, त्र्यंबकेश्वर, ना कहाँ पर है ये, नासिक में, सही स्टेटमेंट है, और पेन गंगा इसकी सहायक नदी है, ये भी सही है, और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, ये भी सही है, ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, निम्नलिखित का मिलान कर देखिए, बड़े ध्यान से करिएगा, विष्णुप्रयाग है जो वो आपका धौली गंगा और अलकनंदा, ठीक, कर्णप्रयाग आपका पिंडार और अलकनंदा से के जहाँ पर मिलते हैं वहाँ पर बनता है, ठीक, और उसके बाद रुद्रप्रयाग है जो वो मंदाकिनी और अलकनंदा जहाँ पर मिलती है वहाँ पर बनता है, और देवप्रयाग मिलता है भागीरथी और अलकनंदा, ठीक, तो आंसर ए हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित झीलों को उनके राज्य से मिलाएं, भीमताल है जो वो कहाँ पर है, उत्तराखंड में, अष्टमुड़ी आपकी केरल में हो जाएगी, और गोहना उत्तराखंड, और लोनार है जो आपकी महाराष्ट्र में, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, नामधापा नेशनल पार्क है जो उससे संबंधित कथन है, तो ये बेसिकली पूर्वी हिमालय में सिक्किम पर विस्तृत है, तो ये गलत हो गया क्योंकि ये अरुणाचल में है, अरुणाचल, ठीक है, और दूसरा देखिए, यहाँ के वन है जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार, ठीक है, दोनों ये सेमी एवरग्रीन और एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं यहाँ पर नामधापा में, ठीक, तो ये सही है, तो आंसर इसका हो जाएगा आपका बी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही समय लेता है, लाल मिट्टी है जो वो 18.5% के आसपास है लगभग, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी 43%, काली मिट्टी 15%, मरुस्थली 4%, ठीक, तो ये सभी सही है, आंसर डी। अगला देखिए, जो ICAR है हमारी, उसने मिट्टी का जो वर्गीकृत किया उनके घटते क्रम को आपको अरेंज करता है, तो इंसेप्टिसोल्स हो गया, एंटीसोल हो गया, एल्फीसोल हो गया और वर्टिसोल हो गया, ठीक है, तो देखिए ये है जो ये कितना है, ये लगभग आपका 40 मान लीजिए, क्योंकि 39.74% है, तो 40% के आसपास तो ये हो गया, ठीक है, एंड यही मैक्सिमम है, ये भी याद रखिएगा, मैक्सिमम वाला ही याद रखिएगा, एंटीसोल है वैसे 28.08%, ठीक है, एल्फीसोल है आपका 13.15% और वर्टिसोल है आपका 8.52%, ठीक है, इतना मिलता है, तो इतना सब कुछ नहीं, लेकिन हाँ मैक्सिमम वाले को आप याद रखें, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका ए। अगला देखिए, निम्नलिखित राज्यों को अधिक से कम वन क्षेत्र के अनुसार आपको लगाना है, तो देखिए सबसे ज्यादा तो एमपी का है फॉरेस्ट एरिया वाइज पूछ रहा है यहाँ पर क्षेत्रफल के हिसाब से, ठीक है, परसेंटेज में नहीं चाहिएगा, सबसे ज्यादा एमपी का हो गया, उसके बाद दूसरे नंबर पे आपका अरुणाचल प्रदेश, फिर तीसरे पे छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा और फिर महाराष्ट्र, ठीक, तो ये सब सही लाइन से ही है, ए आंसर। निम्नलिखित में से कौन सही समय लेते हैं, देखिए शंकुधारी वन आपको टाइगर फॉरेस्ट में मिलेंगे, आपका परमा फ्रॉस्ट है जो वो टुंड्रा में मिलेगा, और आपका बार बार अग्निकांड ये चारागाह की खासियत हो सकती है, तो ये सही स्थिति, तीनों ही सही है यहाँ पर, डी आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अगला देखिए, उड़ीसा में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, देखिए ज्वारीय वन, टाइडल फॉरेस्ट भी मिलते हैं वहाँ, पर्णपाती मिलते हैं, कटीले वन वहाँ पर नहीं मिलते हैं, ठीक, तो 1 और 2 आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, निम्नलिखित को आपको मैच करना है, ये क्या है, ये आपके विद्युत शक्ति केंद्र है और ये इनके स्टेट्स हैं, ठीक, तो श्रीशैलम आपका पड़ेगा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश
के बॉर्डर पर, और शबरागिरी केरल में, हीराकुड आपका महानदी उड़ीसा में, और फिर सेलरू आपका सेलरू नदी में ही है, और कहाँ पर है वो आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। बाकी इसके अलावा ये इसके नदी श्रीशैलम की नदी का नाम है आपकी कृष्णा, ठीक, और शबरागिरी है जो उसका नाम है पंबा, पंबा, ठीक है। ये तो पता ही है, हीराकुड महानदी पर है और सेलरू सेलरू पर है, ठीक। तो आंसर हो जाएगा इसका ए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही समय लेता है। इडुक्की आपका बहुउद्देशीय परियोजना है, ठीक। घटप्रभा आपकी जल विद्युत परियोजना है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये सिंचाई परियोजना है, सिंचाई, ठीक है। और रामगंगा आपका बहुउद्देशीय, ये भी ठीक है। तो 1 और 3 बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। सलल परियोजना चिनाब नदी पर है, तो और ये है किस जगह पर, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक, सही है। और राणा प्रताप सागर चंबल नदी पर है, ये आपका राजस्थान में पड़ेगा। और टिहरी परियोजना है जो भागीरथी में है उत्तराखंड में, ठीक। तो ये तीनों चारों ही सही है आपका, तीनों ही सही है, आंसर डी हो जाएगा इसका। अगला देखिए, प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना, ठीक है, इससे संबंधित इनके घटक बताने हैं आपको। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम है, हर खेत को पानी भी है, प्रति बूंद प्रति अधिक फसल, ये भी है, और जल संभर यानी कि वाटरशेड डेवलपमेंट भी है, ठीक। तो आंसर हो जाएगा डी। अगला देखें, निम्नलिखित में से खरीफ क्रॉप्स कौन सी है। मक्का है, मूंगफली है, तंबाकू है और सोयाबीन, ये सभी खरीफ खरीफ फसल है, ठीक, याद रखें, आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से हरित क्रांति के घटक कौन से हैं। भूमि सुधार है, ठीक है, इसके टोटल बेसिकली क्या 12 घटक हैं, ठीक है। तो 12 को एक बार रीड जरूर कर लीजिएगा वो सब, ठीक है। तो ये जो अटपटे से दिख रहे हैं कि उसमें नहीं होंगे, वो मैंने लिखे हैं यहाँ पर। ये भूमि सुधार है, ग्रामीण विद्युतीकरण भी इसका पार्ट है, और कृषि विश्वविद्यालय भी इसका पार्ट है, ठीक। तो आंसर हो जाएगा डी। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मैग्नेटाइट का रंग है जो वो काला होता है, और इसमें 60-70% लोहे का अंश होता है, सही है। और हेमेटाइट के का रंग है जो वो लाल होता है, और इसमें 60-66% लोहे का अंश होता है, ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका सी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, भारत में सर्वाधिक मैंगनीज रिजर्व्स कहाँ मिलेंगे, उड़ीसा में, ठीक है। ये अलग से मैच द फॉलोइंग में या फिर सही सुमेलित करके भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो याद रखें इसको, मैंगनीज आपका उड़ीसा में, उसका जिप्सम आपका राजस्थान में, ठीक है। उसके बाद उत्तराखंड है जो, उसमें वहां पर चूना पत्थर नहीं मिलता, वहां पर मैग्नेसाइट मिलेगा। और कर्नाटक में आपको लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर मिलेगा, ठीक है, के भंडार सबसे ज्यादा मिलेंगे। तो तीसरा और चौथा है जो आपस में इंटरचेंज है, और पहला दूसरा सही है। तो आंसर हो जाएगा इसका 1 और 2, यानी कि ए आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। देखिए, दरीबा है जो ये अलवर राजस्थान वाला है, ठीक है, यहाँ पे तांबा मिलेगा आपका, बालाघाट में भी तांबे की बोलता है, और आपका क्योंझर में उड़ीसा के लिए फेमस है, ठीक। तो तीनों ही यहाँ पर सही है, आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क है जो उसकी खदान छत्तीसगढ़ में है। तो चंद्रपुर और रत्नागिरी, ये दोनों तो आपकी महाराष्ट्र में है, देखिए, ठीक है, और दुर्ग और बैलाडीला हो गई आपकी छत्तीसगढ़ में, सी जी में, ठीक। तो आंसर हो जाएगा इसका 3 और 4, यानी बी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सही समय लेते हैं। खनन नगर किसको कहा जाता है, सिंगरौली को, परिवहन नगर विशाखापट्टनम को, और औद्योगिक नगर भिलाई को, ठीक है। तो तीनों ही सही है, आंसर डी, याद कर लीजिएगा। अगला देखिए, ये जो आपके इस्पात संयंत्र लगाए, स्टील प्लांट्स लगाए गए थे, और वो आपके फॉरेन कोलैबोरेशन से लगाए गए थे, तो अलग अलग देशों ने कोलैबोरेट किया था उसमें। तो आपका जो राउरकेला वाला है वो यूएसएसआर नहीं है, वो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि राउरकेला वाला जो है वो जर्मनी से लगाया गया था, ठीक है। और जो भिलाई वाला है वो लगाया गया था यूएसएसआर से, और दुर्गापुर वाला है जो ये ब्रिटेन की मदद से लगा था, ब्रिटेन यूएसए से नहीं लगा था, है ना, ब्रिटेन। तो तीनों यहाँ पर गलत है, आंसर हो जाएगा इसका डी, नन ऑफ द अबव। अगला देखिए, निम्नलिखित रेलवे मंडल और उनके मुख्यालय। उत्तर पूर्व फ्रंटियर रेलवे मालेगांव, जो गुवाहाटी वाला, ठीक, और उसके बाद दक्षिण मध्य आपका जबलपुर, ये दोनों ही सही है। और दक्षिण पूर्व मध्य है जो वो प्रयागराज नहीं है, वो आपका बिलासपुर है, ठीक, बिलासपुर, ठीक है। तो 1 और 2 ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा मिले थे। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क आपका लद्दाख में है, गलत हो गया, क्योंकि ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। और हेमिस हाई नेशनल पार्क है जो वो आपके हिमाचल प्रदेश में, ये भी गलत हो गया, क्योंकि ये लद्दाख में है, ठीक है। और वैली ऑफ फ्लावर्स है जो वो आपका उत्तराखंड में है, ये ज़्यादा सही है। तो आंसर सी हो जाएगा इसका।
अगला देखिए, बाण गंगा और आपकी गंभीरी नदी है जो, ये किस नेशनल पार्क पर है? भितरकनिका नेशनल पार्क में, केवला देव घाना नेशनल पार्क, नगर होल, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये है आपका केवला देव घाना नेशनल पार्क, जो कि राजस्थान के भरतपुर में है। ठीक है, भरतपुर में। ठीक है, और ये साइबेरियन क्रेन के लिए काफ़ी फेमस है। ठीक है, साइबेरियन क्रेन पक्षी होता है वो, यहाँ पर उनके लिए वेटलैंड के लिए अप्रोप्रिएट वेटलैंड है उनके लिए, तो वो उड़ करके यहाँ पर आते हैं एक सीजन में। ठीक है, तो जिसके लिए यहाँ पर ओपन किया जाता है, और ये काफ़ी फेमस टूरिस्ट प्लेस भी है। ठीक है, तो बी आंसर। अगला देखिए, जैव विविधता अधिनियम 2002 के उद्देश्य बताने हैं आपको। देखिए, जैव विविधता का संरक्षण, इसके अवयवों का सतत उपयोग, ठीक है, सस्टेनेबल यूज, और अनुवांशिक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों की उचित व न्यायसंगत साझेदारी, फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट अराइजिंग ऑफ द यूज ऑफ द जेनेटिक रिसोर्सेज। ठीक, तो ये तीनों ही यहाँ पर सही है, आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए, पैरिस समिट 1992 जो हुई थी, तो उसमें कुछ अभी समय मतलब कन्वेंशंस को अधिसूचित किया गया था। तो देखिए, जब अर्थ समिट 1992 हुई थी, तो तीन थे कन्वेंशंस जिनको अधिसूचित किया गया था, और उनका नाम भी रियो कन्वेंशंस का दिया गया था। ठीक, तो वो है आपका CBD, UNCCD और UNFCCC। ठीक है, तीनों के नाम याद रखें, आंसर डी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अप्रैल 1961 में IUCN के सहायक संगठन जो था WWF की स्थापना हुई 1961। ठीक, सही स्टेटमेंट है। और इसका जो शुभंकर था वो था आपका भीमकाय पांडा है, मतलब। ठीक, तो ये भी सही है। और इसकी जो कैटेगरी है IUCN की, वो है आपकी एंडेंजर्ड कैटेगरी। ठीक, तीनों ही यहाँ पर सही है, आंसर डी हो जाएगा। अब भी आप वीडियो को पॉज कीजिए और अपना स्कोर हमें कमेंट्स के माध्यम से बताइए। जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।